दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल एक परफेक्ट कपल माने जाते हैं। दोनों ही स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। दिनेश जहां क्रिकेटर है तो वहीं दीपिका मशहूर स्क्वैश प्लेयर है। माना जाता है कि कार्तिक और उनकी पत्नी के बीच काफी अच्छे तालमेल हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान दिनेश कार्तिक अपनी पत्नी से जुड़े एक सवाल का गलत जवाब दे गए, जिस पर दीपिका का गुस्से वाला रिएक्शन देखकर कार्तिक एकदम पानी पानी हो गए। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल दिखाई दे रहे हैं। एंकर दोनों से जुड़े कुछ सवाल पूछती है और दोनों को साथ साथ अपने जवाब देने थे, जिससे दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। इसी कार्यक्रम में एंकर ने सवाल किया कि दीपिका को जापानी फूड पसंद है। इस पर दीपिका ने हाँ कहा, लेकिन दिनेश कार्तिक ना बोल गए, जिस पर दीपिका पल्लिकल बुरी तरह खींच गई और दिनेश कार्तिक चुपचाप खड़े हो गए। अपनी पत्नी के पसंदीदा खाने की जानकारी ना होने पर दिनेश इधर से उधर देखने लगे। इसके बाद एंकर ने एक के बाद एक और मजेदार सवाल किए। एक सवाल में एंकर ने पूछा, दिनेश कार्तिक नहाते हुए कुछ गुनगुनाते रहते हैं? इस पर दोनों ने हाँ में जवाब दिया। इसके बारे में बताते हुए दिनेश ने कहा कि वो अक्सर नहाते हुए गुनगुनाते हैं। इस पर एंकर ने पूछा, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? तो कार्तिक ने कहा कि ऐसा कोई खास गाना नहीं है। लेकिन दीपिका ने तुरंत कहा कि कार्तिक को पुराने तमिल गाने बेहद पसंद है, और वो भी तेज और बेसुरी आवाज वाले। आपको बता दें, ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और इसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं। मिलम न्यूज रिपोर्ट।